मुझे अब भी बार बार अदालत में क्यों बुला रहे हैं? 30 साल हो गए, अब मैं दादी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इन दोनों लाइनों को सुनने के बाद थोड़ा सा कल्पना में जाइए कि कैसे एक परेशान बूढ़ी औरत कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में मैं अब अपनी जवानी के वो पल याद नहीं करना चाहती जिसने मेरी आत्मा को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। ये बात साल 2021 के दिसंबर में सामूहिक बलात्कार का दंश झेल चुकी पीड़िता ने कही थी और अदालत में मौजूद जज, वकीलों, आरोपियों को जमकर सुनाया था। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है शुभांगी। हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम क्राइम कुंडली में आज हम 1992 के उस काले कांड का चिट्ठा आपके सामने रखेंगे जिसने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था। इस कांड ने चीख चीख कर ये सवाल किए थे कि आप अपनी बेटियों को जिन स्कूलों में भेजते हैं वहां सुरक्षा के पैमाने क्या है। इस कांड ने यह सवाल पैदा किया था कि सत्ता की हनक और रुपयों का रसूख क्या इज्जत तक खरीदने की हैसियत रखता है। यानी आज हम आपको 1992 के काले कांड का पूरा सच तो बताएंगे ही, साथ ही इस कहानी के वहशी किरदारों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया से दूर उस दौर में इस कांड का खुलासा कैसे हुआ था, ये भी बताएंगे कि एक बार फिर ये कांड इतना चर्चा में क्यों है। चलिए शुरू करते हैं साल 1992 में हुए अजमेर काले कांड की क्राइम कुंडली। आप उतना जानते हैं जितना पढ़ा या सुना है, लेकिन 1992 में आखिर क्या हुआ था, हकीकत हम बताते हैं। ये डायलॉग अजमेर 92 फिल्म का है जिसका ट्रेलर इस संवाद से शुरू होता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पुष्पेंद्र सिंह ने। इस फिल्म का जिक्र हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप समझ जाए कि उस वक्त हुआ मामला कितना बड़ा था कि इस पर फिल्म बनानी पड़ी। वैसे तो अजमेर ब्रह्मा जी के पुष्कर धाम के लिए और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर है, लेकिन साल 1952 में हुआ गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में ये शहर घिनौने अपराध की वजह से भी खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत की गई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया था। साल 1952 के मई महीने का एक साधारण दिन, राजस्थान के अजमेर के एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। खबर की हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। इस खबर को देखने के बाद बवाल मच जाता है और फिर परत दर परत एक खौफनाक कहानी खुलती है। खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता है और उसके बाद उन्हें उनकी ही अश्लील पिक्चरें दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वह और लड़कियों को भी लेकर आए। पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था। इसके साथ कई अन्य आरोपी भी इसमें शामिल थे। दरअसल इन लोगों ने अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने के लिए अजमेर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाया। इनमें से एक आरोपी फारूक चिश्ती ने पहले वहां की एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे किसी बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। लड़की से रेप करने के बाद आरोपियों ने रील कैमरा से उसकी अश्लील तस्वीरें खींची। इसके बाद पीड़िता पर आरोपियों ने इस बात का दबाव बनाया कि वो अपनी सहेलियों को भी वहां पर लेकर आए और फिर शुरू हुआ हैवानियत का सिलसिला। अपनी अश्लील तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़की को मजबूरन अपनी सहेली को भी इस दलदल में धकेलना पड़ा। 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे कर करके न जाने कितनी मासूम लड़कियों से इन दरिंदों ने रेप किया और उनकी अश्लील तस्वीरें ली। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया।
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से ज्यादा थी। घर वालों की नजरों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती थी, उन्हें लेने के लिए बकायदा गाड़ियां आती थी और वापसी में छोड़ने भी आती थी। दैनिक नवज्योति के मुताबिक ऐसा नहीं था कि पुलिस को इस मामले की भनक नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि ये मामला एक सांप्रदायिक मोड़ ले सकता था और उस वक्त हालात काफी खराब थे, इस वजह से इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती रही। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगी। अखबार के मुताबिक तस्वीरें वायरल होने के बाद इन लड़कियों को कई और लोगों ने भी ब्लैकमेल किया। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेला इतना सब सहने के बाद एक एक कर लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। ऐसे ही हवा में तैरते हुए एक लड़की की अश्लील तस्वीर दैनिक ज्योति अखबार के एक पत्रकार संतोष गुप्ता के पास पहुंची। तस्वीर देखकर संतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि तस्वीर पत्रकार संतोष या फिर अखबार तक कैसे पहुंची? तो इसकी भी एक दिलचस्प कहानी एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने इंटरव्यू में बताई है। 1992 वो वक्त था जब देश बहुत ज्यादा डिजिटल नहीं था, यानी तस्वीरें खिंचवाने की जो भी व्यवस्था थी उसके बाद उसे कलर लैब में धुलवाना पड़ता था। अजमेर शहर में एक लैब था जहाँ एक शख्स काम करता था, पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम कलर लैब का मालिक था या फिर सिर्फ काम करता था, इसका स्पष्टीकरण नहीं है, मगर इन सभी आरोपियों ने पुरुषोत्तम से दोस्ती कर ली थी, यानी फोटोज यही धुलती थी। अब आपको भी पता होगा कि कुछ लोगों के हाथ जब कोई बहुत बड़ी चीज लगती है तो वो हवाबाजी के चक्कर में कई बार गलतियां कर जाते हैं। यही हुआ पुरुषोत्तम के साथ भी, जिसने एक आदमी को हवाबाजी करते हुए ये बताने की कोशिश की कि मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं, और यही से तस्वीर निकलकर बाजार में आ गई और यही से पत्रकार संतोष एक्टिव हो गए। इसके बाद उन्होंने छात्राओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं सामने आने को तैयार नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे भरोसा दिलाने और समझाने के बाद छात्राओं ने भी हिम्मत दिखाई और सामने आकर मामला दर्ज करवाया। संतोष ने अपने अखबार का इस्तेमाल किया और पहले पन्ने पर स्कैंडल की खबर छाप दी। उनके ऐसा करते ही पूरे अजमेर में बवाल मच गया। संतोष ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी और उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खबर के साथ संतोष ने लड़कियों की वह अश्लील तस्वीरें भी छाप दी जिसमें केवल आरोपियों का चेहरा दिख रहा था, ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। फिर पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए। मामले के इस तरह सामने आने और उसको दबाए जाने के बाद आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी सीबी के हाथों सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की गई। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोलानी नाम के अपराधियों के नाम सामने आए। अब एक बार एक नजर में जान लीजिए कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ। 15 मई 1992, दैनिक समाचार पत्र नवज्योति ने धुंधली तस्वीरों के साथ मामले का खुलासा प्रकाशित किया। 30 मई 1992, गंज थाने में नफीस और फारूक चिश्ती पर एफआईआर दर्ज की गई। 3 सितंबर 1992, पहली चार्जशीट दाखिल हुई। 28 सितंबर 1992, जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। 1994 में एक आरोपी पुरुषोत्तम ने आत्महत्या कर ली। 18 मई 1998 को सत्र अदालत ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें मैजुल्ला उर्फ पुत्तन, परवेज, इशरत अली,
महेश लुधियानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर चिश्ती, हरीश तोलानी और शमशुद्दीन उर्फ मैराडोना का नाम शामिल है। 20 जुलाई 2001 राजस्थान उच्च न्यायालय ने परवेज अंसारी, कैलाश सोनी, महेश लुधानी और हरीश तोलानी को बरी कर दिया। अप्रैल 2003 नफीस चिश्ती, जो सालों से गायब था, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। 19 दिसंबर 2003 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 1998 की सजा बहुत कठोर थी और 4 अभियुक्तों की सजा कम कर दी, जिसमें इसरत, पुत्तन, मैराडोना और अनवर का नाम भी शामिल है। इनकी सजा कम करके 10 साल कर दी गई। 2005 इकबाल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2007 अजमेर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने फारूक चिश्ती को सजा सुनाई और आजीवन कारावास दिया। सितंबर 2013 राजस्थान उच्च न्यायालय ने फारूक चिश्ती की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर पहले पूरी की जा चुकी अवधि तक कर दिया। 2018 में फरार आरोपी सुहाल गनी ने समर्पण कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस लगातार पीड़ित महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाती रही है। पुलिस रिकॉर्ड में बलात्कार पीड़ितों के पहले नाम और उनके आवास की जानकारी है, जिसमें बहुत से लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। दावा किया गया कि उस समय के स्कूली छात्र सामूहिक बलात्कार की पीड़िताएं अपने साथियों और बच्चों तथा पोते पोतियों के साथ अलग अलग शहरों में चले गए, जिससे पुलिस के लिए उन पर नजर रखना लगभग असंभव हो गया। दशकों से जब भी किसी आरोपी ने आत्मसमर्पण किया या किसी को गिरफ्तार किया गया तो अदालत ने जीवित बचे लोगों को तलब किया। जब भी कोई मुकदमा शुरू हुआ, पुलिसकर्मी समन पहुंचाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के घर पर पहुंचे। वकीलों के मुताबिक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के तहत अदालत को आरोपी की उपस्थिति में पीड़ित या फिर अन्य गवाह की गवाही दर्ज करनी होती है। हालांकि ये बात भी मानी गई कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों के जख्मों को कुरेदने का काम करती है। कई बार तो ऐसी खबर भी सामने आई कि पुलिस भी परेशान है कि कितनी बार हम उन्हें अदालत में घसीटेंगे। फोन कॉल पर वो हमें गालियां देते हैं। हर बार जब वो अपने दरवाजे पर किसी पुलिसकर्मी को देखते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। ये बात दरगाह पुलिस स्टेशन के SHO दलबीर सिंह ने कहा था। एक परिवार ने कहा कि उनकी बेटी मर गई। एक अन्य परिवार ने मुझे धमकाने के लिए एक वकील भेजा। सिंह का कहना है कि कम से कम 3 पीड़ितों ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। सितंबर 1992 में मुकदमा शुरू होने के बाद से पुलिस ने 6 आरोप पत्र दायर किए, जिनमें 18 आरोपियों और 145 से ज्यादा गवाहों को नामित किया गया। ये मामला 12 सरकारी अभियोजकों, 30 से ज्यादा SHO, दर्जनों SP DIG और राजस्थान में सरकार के 5 बदलावों तक फैला है। अजमेर पुलिस को हमेशा संदेह था कि 100 से ज्यादा किशोरियों का शोषण किया गया था, लेकिन प्राथमिक जांच के दौरान केवल 17 पीड़ितों ने अपना बयान दर्ज कराया। आखिर में बात ये आ रही है कि एक बार फिर ये मामला चर्चा में क्यों है। दरअसल 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टारजन जैसे 6 और हैवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में हुए इस कांड के बाद पुलिस के लिए पीड़िताओं को सामने लाना और सबूतों को सहेज कर रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। पीड़िताओं ने समाज में बदनामी और दुष्कर्मियों के खौफ की वजह से अपना घर और शहर तक छोड़ दिया था, और बतौर सबूत जमा किया गया सामान, मसलन बिस्तर और कॉन्डम इत्यादि, बदबू मारने लगे थे। लेकिन सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी बचकर ना निकल जाए, इसीलिए पुलिस ने सबूतों को तो सहेजा ही, साथ ही नाते रिश्तेदारों की मदद से किसी बहाने पीड़िताओं के फोन नंबर जुटाए और फिर फोन सर्विलांस में डालकर उन्हें गवाही देने के लिए मनाया। अभियोजन विभाग के सहायक निदेशक विजय सिंह राठौर इस मामले की साल 2020 से पैरवी कर रहे हैं। उनसे पहले करीब 12 अभियोजक बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस कांड में 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया, लेकिन अभियोजन पक्ष और पुलिस सिर्फ 16 पीड़िताओं को ही गवाही के लिए तैयार करा सकी। आखिर कुछ गवाही के बाद इनमें से भी 13 पीड़िताओं ने रसूखदार आरोपियों के खौफ से कोर्ट में अपना बयान बदल दिया। ऐसे में अदालत में पीड़िताओं के पुराने बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई।
अभियोजन पक्ष के वकील वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 1992 के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए सबूतों को सहेज कर रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के फार्म हाउस से कॉन्डम, कैमरा, डायरी, बिस्तर, कैसेट्स, कपड़े इत्यादि वस्तुएं बतौर साक्ष्य जुटा कर रखी थी। मामले में 4 बार ट्रायल होने पर कोर्ट में सामान को 4 बार पेश किया गया। हालात तो ऐसे हो गए थे कि 32 साल में बिस्तर बदबू मारने लगे थे। अजमेर रेप ब्लैकमेल स्कैंडल की शुरुआत से अंत और बाद में कैसे क्या हुआ, इस पर द न्यूज 15 अपना दावा नहीं करती है। हमने ये कहानी किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरी तरीके से भी अंजाम दिया गया हो, मगर आखिर सच्चाई यही है कि ऐसे घिनौने अपराधों का अंत जेल में आजीवन सड़ना ही हो सकता है। फिलहाल द न्यूज 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज 15। नमस्कार।